ये फ्लैट नंबर 9211 यही पे? हाँ जी बताइए। एक्चुअली ना मुझे मिस्टर मल्होत्रा ने यहाँ पे भेजा है फ्लैट के लिए। बात चौथ साला आ जाइए आप। आपने मुझे गाली दी? नहीं 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 मिस्टर मल्होत्रा को आप आ जाइए। क्यों? कुछ नहीं। हाँ भाई देखिए आप यही फ्लैट है, उधर किचन है, वॉशरूम। अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ। हाँ देखिए ये तो अच्छा हो रहा है। तो कैसा लगा आपको फ्लैट? हाँ फ्लैट तो ठीक था, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं भी अकेले रहूंगा तो मेरे लिए सही है। पी लो। नो नो थैंक्स, मैं पीता नहीं। जो मुझे पीना है वो तो तुम दे नहीं पाओगे। ये तो खा सकते हो। नो नो थैंक्स। नहीं खा लो खा लो, थक के आ गए होंगे। खा लो। थैंक यू। बैठ जाए बैठ जाए आराम से। मुझे तो लग ही रहा था इसको अकेला ही पसंद है। वैसे तुम लेखक हो, लिखते हो? हाँ मैं पोयम वगैरह लिखता हूँ। लग रहा है। क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ, कुछ लिखा है? देख लीजिए। वाओ अमेजिंग। वैसे तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बढ़िया है, अच्छे लिखते हो। क्या बढ़िया यार, क्यों? पेट थोड़ी बढ़ता है इससे, कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का, इसीलिए तो मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। आप पेट तो मेरा भी नहीं बढ़ रहा है तुम्हें देखकर। वैसे आप क्या करते हो? हाँ अच्छा हाँ मैं कहाँ खो गए थे अभी? साहब? नहीं नहीं मैं ना अपना पेपर देने के लिए आया हूँ। मैं कॉलेज में हूँ तो इसलिए यहाँ पे आया, शिफ्ट कर रहा हूँ कि अपना पेपर अच्छे से दूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं भी एक हफ्ते के अंदर यहाँ से फिर शिफ्ट करूँगा, निकल जाऊँगा। वैसे मेरा एग्ज़ाम तो नेक्स्ट वीक है, मैं इस हफ्ते फ्री हूँ, तो अगर कुछ हेल्प चाहिए तो पैकिंग वगैरह में तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी है फिर आप मुझे हेल्प कर देना पैकिंग वगैरह में। वैसे भी तो ज़रूर। आप ही मुझे निकाल रहे हो यहाँ से, अच्छा ये आपको बात सज़ा है, मिल जाएगी। हाँ इस बात चलो की। हम सज़ा लेने के लिए तैयार भी है, कर देंगे। आप ये भी खाओ, नहीं नहीं बस लग हो रहा है कि गया आपको मेरा। बहुत पसंद है केले। हाँ खा लो खा वैसे लो। एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तो लग केला ही तो रहा चाहिए। है बॉडी अच्छी है आपकी। थैंक यू। तुम्हारा भी सही है, लीन है। एक्सरसाइज बहुत करते हो? अच्छा है। हाँ हर दिन एक्सरसाइज करता हूँ, तभी तो बॉडी बिल्डर बन गया मैं। किस टाइप का एक्सरसाइज? वही डंबल वगैरह जिम अच्छा में। अच्छा 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 मुझे कुछ और लगा था। क्या लगा आपको? नहीं 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 कुछ और नहीं बताओ। नहीं, नहीं बता दूंगा, अभी तो एक हफ्ते हैं, हम सही से बता दूंगा सब कुछ। चलो ठीक है। अच्छा फिर मैं कल से आऊँ? हाँ फिर कल आप आ जाना, मुझे पैकिंग वगैरह में हेल्प कर देना। जल्दी जल्दी श्योर। पैक करेंगे फिर। चलो फिर मिलते हैं। चलो ठीक है। आ जाओ। हाय कैसे हो? ठीक हो? आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बैठो आ जाओ, खाना खा लो। नहीं मैंने खा लिया है, काकी आ गया। मैंने क्या खाया आपने? मैंने मैंने वो खाया था बिरयानी। अच्छा और बताओ। तो क्या वो लैंडलॉर्ड से बात हुई? हाँ हो गया। वैसे कितना मंथली कितना है यहाँ का रेंट? यहाँ पे तो मैं 12,000 पे करता हूँ मंथली। 12? हाँ मुझे भी इतना ही बोला है, 12,000। वैसे भी पूछने वाला था कि कितना दे रहा है। चलो ठीक, मैं फिर अपना हाथ वाथ धो के फिर आ जाता हूँ, फिर करता है। ठीक है क्या? पैकिंग वगैरह अच्छा। क्यों, क्या लगा था मैं? नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं लगा। बताओ। नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं। जाओ चलो जाओ ठीक है, हाथ फिर अपना हाथ धो धो के के आ आता जाओ। हूँ।
अच्छा तुम्हारा कभी गर्लफ्रेंड था या है? हाँ मेरा गर्लफ्रेंड था, बट हमने ब्रेकअप किया कुछ रीजंस की वजह से, बट अभी हम दोबारा साथ में मतलब आने की सोच रहे हैं। अभी ब्याह से मतलब निकल कर वही शिफ्ट करेंगे, हम साथ में ही रहेंगे। ये तो हो गया। ये क्या है? गे बुक? तुम्हारे पास गे बुक है? अरे नहीं नहीं यार, मेरा दोस्त का है, मेरा नहीं है। मेरे रख दो ये। हाँ, रख सकते हो, बट एक शर्त है, इसको रखने के बाद जो स्टोरी तुम पढ़ोगे वो मुझे भी सुना लेना, ठीक है? बिल्कुल, चलो मैं ये रखता हूँ यहाँ पे। हाँ रख लो। सोहेल, अलमीरा में कुछ बुक्स रखा हुआ है यार, वो प्लीज ले आना प्लीज। यस श्योर। यहाँ पे? हाँ वहीं पे। ये क्या है? लव टॉय? यार ये तुम्हारे पास ये लव टॉय क्या कर रहे हैं? दिल दो, वो भी 9 इंच का। अरे नहीं यार, ये मेरा नहीं है, मेरा दोस्त का है, उसने शिपिंग एड्रेस ये भी दिया था। अच्छा तुमने याद दिलाया, उसको मैं कॉल करता हूँ। अच्छा तो मैं फिनिक्स में समझ सकता हूँ, मेरे होते हुए अब इसका जरूरत तुम्हें नहीं हमने पड़ेगा। कॉल कर दिया उसको, वो आके ले जाएगी। अच्छा वैसे ये तुम्हारा दोस्त का है, लेकिन तुमने इसको ओपन क्यों किया है? ओपन है ये। थैंक यू यार हेल्प करने के लिए पैकिंग इट्स ओके, इट्स ओके, कोई ना। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा गर्लफ्रेंड से तुम फर्स्ट टाइम कहाँ, कब मिले थे, कैसे मिले थे और प्यार कैसे हुआ था? में। हम मिले तो कॉलेज में ही थे, वो मेरे क्लासमेट थी, तो ऐसे लाइक हम पहले दोस्त बन गए थे, फिर धीरे धीरे हम मतलब बेस्ट फ्रेंड बन गए भी थे। तो हम जो भी मतलब जा भी जाते थे, अगर कुछ असाइनमेंट्स करने होते थे या जा कॉलेज की तरफ से जाना होता था तो सब में हम साथ नहीं जाते थे। तो मुझे लाइक फीलिंग्स आया था बहुत जल्दी, तो फिर धीरे धीरे लाइक ऐसा हुआ था कि हम अगर कॉल में बात करते थे, कुछ क्वेश्चन पूछना होता था मुझे उसको, तो ऐसे घंटों घंटों तक हमारा बात चलती थी, तो हमें पता ही नहीं चलता था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे उसको भी ऐसे फीलिंग्स आए, तो इसीलिए फिर हमारा रिलेशन हो गया, मतलब हम साथ में आ गए दोनों मिलके। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी थी, हमने काफ़ी सारे जगहों एक्सप्लोर किया साथ में, बट फिर भी एंड हो गया। अब दोबारा देखेंगे, ट्राई करेंगे, होपफुली इस बार अच्छा जाएगा। जा रहे हो क्या? हाँ बस निकल रहा हूँ मैं, ठीक है फिर कब आओगे आप? शाम को आ जाऊंगा। चलो ठीक है फिर, शाम को ओके मिलते बाय, हैं। टेक बाय। केयर। बारिश बारिश चूतिये हो क्या यार तुम? हाँ तुम भी कैसे तुमने हो? मुझे यार अरे कोई बात नहीं, मर दो, आ जाओ बैठो। मजे में लग रहे हो, इतना खुश क्यों?
अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, बस पैकिंग सारा खत्म किया। अच्छा हाँ सही है। चल यार वैसे भी सारा पैकिंग खत्म हुआ है, कुछ और करने के लिए नहीं है। कुछ खेलते हैं फिर? क्या कुछ गेम वगैरह? अच्छा कुछ दिमाग में आ रहा है? तुम बताओ। ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। हाँ चलो खेलते हैं। बढ़िया ठीक है चलो फर्स्ट तुम्हारी बारी। ट्रूथ तो ऐसा मैं अडल्ट वाला सवाल पूछूंगा ठीक है, हाँ अच्छा क्योंकि हम दोनों अडल्ट हैं ना। तुम अब बच्चों वाला गेम बच्चों वाला सवाल पूछेंगे तुम। अच्छा ये बताओ तुम्हारा स्टैमिना कितना है? मेरा सामना ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट। अच्छा चलो फिर ट्रूथ और डेयर। ट्रूथ। ट्रूथ। व्हाट्स योर बॉडी काउंट? अब गिनता तो रही है, याद नहीं है मुझे, बहुत सारा होगा। वाओ यस ट्रूथ और डेयर। ट्रूथ। ट्रूथ। सो व्हाट्स योर फैंटेसी? जब बताओ अपना फैंटेसीज। फैंटेसी यही क्या, 4-5 लड़कियों के साथ एक ही साथ सेक्स करना। बस लड़कियां या लड़का भी? मैं ऑब्वियसली लड़कियां, बट एक लड़का भी चलेगा। ओ नाइस। चेंज कभी कभी करना चाहिए। हाँ मानते हो ना। अच्छा और मेरा फ्लैट का ध्यान रखना, और मतलब मेरा तो अब नहीं है, मेरा घर जैसा था यार। बिल्कुल टेंशन मत लो। क्या हुआ? ये हम सही नहीं कर रहे। Just leave. Sorry.